नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही सिंपल गार्डनिंग चैनल में। और फ्रेंड्स, मैंने कल अपने गार्डन में कुछ काम किया है और अपने कुछ प्लांट्स को रिपोर्ट किया है और मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई, कल कुछ मौसम ख़राब था। मैं आपको आज उसका अपडेट देना चाहूँगी। ये देख रहे हैं मेरे मॉसरोस कितने अच्छे से खिल रहे हैं। इसको मैं हटाना चाहती हूँ, लेकिन ये फ्लावरिंग अभी भी बहुत अच्छी कर रहा है, इससे मेरा मन नहीं कर रहा है इसको हटाने का भी। ये देखिए कितना पूरा कलियों से भरा पड़ा है, कितना प्यारा फ्लावर्स आए हैं। मेरे सारे मॉसरोस बहुत अच्छे खिल रहे हैं अभी। आइए आपको बताती हूँ मैं। फ्रेंड्स, ये देखिए कल मैंने मेरी जितनी भी गुलदाउदी की कटिंग्स थी और उनको मैंने रिपोर्ट किया है। ये देख रहे हैं, करीब मैंने ये छः इंच का गमला होगा, इसको मैंने 6 इंच का पॉट दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं आप, ऐसे मैंने कल सारी गुलदाउदी की कटिंग्स को मैंने रिपोर्ट किया। और भी दिखाती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये तो कुछ बड़ा पॉट है, ज़्यादा ही 10 इंच का पॉट है फ्रेंड, इसमें मैंने इसको रिपोर्ट किया। ये मेरा प्लास्टिक पॉट है और इसको बस मैं थोड़ा सा पिंच करती जाऊँगी, ये अच्छे से पुशी होता जाएगा। इसके मदर प्लांट्स तो अच्छे से रेडी हैं, लेकिन इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था। अगर आपने भी अभी कटिंग नहीं लगाई तो गुलदाउदी की कटिंग आप अभी भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, बहुत जल्दी लग जाती है ये। विदाउट रोटिंग हार्मोन आपको इसमें कुछ भी नहीं यूज़ करना। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा पिटोनिया, कल इसको भी मैंने रिपोर्ट किया है शाम को। और ये देखिए तो फ्लावरिंग भी अच्छी कर रहा है। ये देखिए मेरे बहुत काफ़ी सारे प्लांट्स ऐसे ही पड़े थे पॉली बैग में, कल ही मैंने इसको रिपोर्ट किए हैं। जो कटिंग वाले थे उसको भी मैंने, जो कटिंग्स तैयार हो गई थी उसको भी मैंने कल ही रिपोर्ट किया। ये देखिए, ये फ्लावरिंग नहीं ठीक से कर पा रहा था पॉली बैग में, अब देखिए इसमें बर्ड्स बनने लगी, देख रहे हैं आप फ्रेंड्स। ये मेरा मैक्सिकन पिटोनिया, इसकी ये ड्रॉप वैरायटी है, ये भी पॉली बैग में ही लगा हुआ था, इसको भी मैंने कल ही रिपोर्ट किया है। इसको करीब मैंने 10 इंच के गमले में लगाया है। इसकी मेरे पास लॉन्ग वैरायटी भी है, वो उसमें पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं और ये फ्लावर जब खिलते हैं गुच्छों में बहुत प्यारे लगते हैं। इसमें 3 कलर आते हैं, वाइट, पर्पल और पिंक, लेकिन मुझे वाइट ही अच्छा लगा इसे मैंने यही लिया। ये काफ़ी दिनों से पॉली बैग में ही लगा हुआ था फ्रेंड्स। ये देखिए मेरी ये येलो बोगनविलिया की कटिंग है, ये अच्छे से सक्सेस हो गई है, कल ही शाम को मैंने इसको रिपोर्ट भी कर दिया है। देख रहे हैं आप, थोड़ा सा स्ट्रेस में है, 1-2 दिन में ये ठीक हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप गेंदा को भी कटिंग से लगाना चाहते हैं तो गेंदा बहुत ईजी कटिंग से ग्रो हो जाता है। मेरे पास लास्ट ईयर के 1-2 प्लांट्स पड़े थे, इससे मैंने बहुत सारे प्लांट्स बना लिए कटिंग से। ये देख रहे हैं आप, ये सब मेरे कटिंग से ही बनाए हुए प्लांट्स हैं। और मदर प्लांट्स में तो थोड़ी कम फ्लावरिंग होती है, जो इतने कटिंग से बनाए हुए प्लांट्स हैं उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये देखिए, देख रहे हैं आप, अगर आपको भी ऐसे ही चाहिए तो आप गेंदे की कटिंग ला के और उसको कटिंग से ही ग्रो कर लीजिए, या एक प्लांट से कई सारे प्लांट्स आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। ये मेरा एक और गुलदाउदी का प्लांट है और इसकी कटिंग मैंने मॉनसून में लगाई थी और ये काफ़ी अच्छा अब बुशी हो रहा है। इसको बस ऊपर से थोड़ा थोड़ा यहाँ जैसे पिंच करते रहिए, जैसे ये 3 पत्ती वाला है, इसको हल्का सा इसे देखिए, इसको बीच बीच में पिंच करते रहिए तो ये काफ़ी आपका बुशी हो जाएगा प्लांट। ये देख रहे हैं आप, और ये ऐसे सिंगल नहीं अच्छा लगता, और जब जितना ये बुशी होगा उतनी अच्छी, जितनी ज़्यादा इसकी ब्रांचेज होंगी उतनी अच्छी फ्लावरिंग करेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा कॉस्मोस है, ये तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, मैं इसके सीड्स कलेक्ट करके रख लूँगी नेक्स्ट ईयर के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा मैक्सिकन पिटोनिया की लॉन्ग वैरायटी है और ये फ्रेंड्स आप इसको कटिंग से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसको मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है, मुश्किल से भी 1 महीना पहले, और इसकी फ्लावरिंग देखिए, ये फ्लावरिंग पर भी आ गया। ये देखिए कितनी सारी कलियाँ बनी हुई हैं। अगर आप भी इसको लगाना चाहते हैं तो आप भी इसको बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं, बस विंटर छोड़कर आप किसी भी सीज़न में इसको अपने गार्डन में इसकी कटिंग ला कर लगा सकते हैं, हर सीज़न में ये आराम से लग जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स ये देखिए मेरा गुलदाउदी कितना बुशी हो रहा है, और मैंने आपको टिप बताया ही है कि इसको ऊपर से खाली हल्का सा पिंच करते रहना है। गुलदाउदी के मेरे यहाँ बहुत सारे प्लांट्स तैयार हो चुके हैं, मैंने सिर्फ कटिंग से ही सब रेडी किए हैं। मेरे पास 3-4 प्लांट्स थे लास्ट ईयर के, और ये देखिए कितने आराम से, ये देखिए ऊपर से ऐसे करके पिंच करते चलिए। मैं जब 2-4 दिन में एक बार पिंच कर देती हूँ तो ये थोड़ा बुशी होता जा रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये मेरे गुलदाउदी की सारी कटिंग्स हैं, इनको मैंने सब एक ही गमले में, ये बहुत कंजेस्टेड होके लगी थी, बढ़ नहीं पा रही थी, इसे सबको मैंने सेपरेट कर दिया। और
ये जितना सेपरेट रहेगा ये उतना ही अच्छे से ये बढ़ेगा, आप उतनी अच्छी ये ग्रोथ लेगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कल मेरे पास कुछ पॉट्स ख़त्म हो गए थे, तो मेरे पास गुलदाउदी की कटिंग बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने ऐसे कुछ पैकेट्स में लगा दिए, ये वेस्ट पैकेट जो हमारे घरों में इजी मिल जाते हैं मैंने उसमें लगा दिए, और फिर मैं पॉट्स लाके इसको आगे रिपोर्ट कर दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, और कितनी हेल्दी कटिंग्स हैं, इसकी कटिंग्स बहुत ईजी लग जाती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं आप, छोटी से छोटी कटिंग भी इसकी इजी लग जाती है, बस इसमें आपको फंगस या पेट्स का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसके इसमें बहुत जल्दी फंगस का अटैक होता है। आप इसमें दवाई का यूज़ करते रहिए, नहीं तो इसमें पत्तियाँ कीड़े खाना शुरू कर देते हैं, उसके बाद ये प्लांट्स हमारा मर सकता है। फ्रेंड कल मैंने एक कोलियस की भी कटिंग लगाई है, रेड कोलियस की, और ये मेरी फ्रेंड की ने मुझे देना है उसकी, मेरे फ्रेंड को, और कल ये देखिए मैंने यहाँ से इसको पिंच किया था, और फ्रेंड ये काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा और बुशी हो जाएगा, इसमें एक आध कटिंग काट लेने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और इनफैक्ट वह बुशी होगा, मैं इसको बीच बीच में पिंच करती रहती हूँ मैं, लेकिन एक कट करके मैंने कल अपनी फ्रेंड के लिए तैयार की। कोलियस की कटिंग बहुत ईजी तैयार हो जाती है, अगर आपने अपने गार्डन में अभी तक ना ऐड किया हो तो इसको कटिंग से भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बाल्सम मेरे फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा गुलाब फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा गुड़हल वाइट कितना अच्छा खिला हुआ है, और कलियां देखिए आप, ये देख रहे हैं आप, ये मेरा रेड गुड़हल पूरा फूलों और कलियों से भरा हुआ है, ये देखिए इसने बहुत अच्छी फ्लावरिंग दी है मुझे इस साल, देख लीजिए पूरा कलियों से ही भरा हुआ है ये। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक।